डे थ्री, तीसरा दिन ऑफ प्रोबोनो लाइव पॉडकास्ट की आपका स्वागत है। एंड टुडे वी हैव विथ अस प्रोबोनो के ही मेंटोर, हमारे जो भी एजुकेशन या साइकोलॉजी जैसे भी मदद चाहिए हम सर के पास ही आते हैं, कपिल चतकरा सर। सर प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू आर ऑडियंस। हाय सम हाय अच्छे सो कपिल का समंथ कॉल। सो ओरिजिनली माय फर्स्ट क्वालिटी कमेंट्स, आई एम बेस्ड आउट दिल्ली। आई हैव टोटल अबाउट 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मोर देन दैट नाउ, एंड ओवर 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज इन आईबीएम। हाउएवर अबाउट 8 to 9 इयर्स बैक आई रियलाइज्ड आई एम डूइंग गुड इन आईटी, बट मुझे लगा कि शायद इतना पैशन नहीं है आईटी से। काम तो अच्छा करता हूँ, तारीफ भी होती है, सब खुश भी रहते हैं, और अभी भी काम कर रहा हूँ क्योंकि आईटी में थोड़ा बहुत पुराना काम है तो एकदम नहीं छोड़ना चाहिए, और ट्रांजिशंस कई बार स्लो होते हैं। तो हाउएवर मुझे 8-9 साल पहले रियलाइज हुआ कि पैशन नहीं है, और ये मैंने कर लिया, इट इज माई एक्वायर्ड या ट्रेंड स्किल, सीखी हुई मेरी कला है, जिससे कि मेरा घर चल रहा है, अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन हो रहा है। बट मुझे लगा कि अंदर से जो मेरी नेचुरल कला है उसको समझने के लिए पहले मैंने खुद को समझा, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद साइकोलॉजी जो है वो मेरी यू नो नेचुरल स्किल है। तो मैंने मास्टर्स करी, उसके बाद डिप्लोमा किया निमहान से, जो इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइंस है। उसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज, तो राइट नाउ आई एम अभी कंप्यूटर साइंस स्टिल परसुइंग दैट एज एन ऑटोमेशन एंड प्रोसेस कंसल्टेंट। But as in psychologist from last 4-5 years, I am also doing people consulting, in which I am doing various types of counselings, career counseling एक है जिसके लिए आज हम शायद यहाँ पे सब एक साथ आए हैं, और इसके अलावा behavior, relationship, stress, grief counseling, relationship counselings, even somewhat life coaching, spiritual counseling में भी मेरी expertise है। तो ये मेरी journey रही है, इसमें मैंने masters तो करी है जैसा मैंने बताया, community mental health पे diploma भी किया है वहाँ से। उसके अलावा मैंने जो है मेरा एक interest है, keen interest है spirituality में, life में, human behavior, not only human, even you know all the species, even animal behavior I have keen interest in. So other than this, I am also a memory trainer, and I am also a fingerprint analyst through DMIT technology. So this is about me. That great sir, thank you. First of all, thank you so much for being with us today. बोलने के लिए कपिल सर तो हमारे टीम के मेंबर और मेंटोर तो है, लेकिन हमेशा इजी नहीं होता शेड्यूल मैच करना। मे बी फॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है, कैसे भी बता लो, लेकिन शेड्यूल मैच हो गया, और जैसे कि बहुत से सब लोग घर पे ही है तो शेड्यूल कर पाए हम लोग। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। सर फर्स्टली पूरा टू क्लियर द एयर, प्रोबोनो के आपका नाता कैसा होना हुआ? हाँ, तो आदित्य जो है वो भी लाइन पे, आई थिंक मुझे इस टाइम उनकी स्क्रीन नहीं दिखी, तो आई ऑलवेज सी हिम एज अ रॉकेट प्रोपेलर। तो आई गॉट टू नो अबाउट हिम दैट ही इज डूइंग अ स्टार्टअप इन करियर काउंसलिंग, तो ही इज द वन हु इज द ड्राइविंग फोर्स आई से, एंड आई ऑल्सो हैव बीन वर्किंग विद यू सामंत, सो आई सी योर पैशन यू नो एंड ऑल द एनर्जी, सो दैट इज ऑल्सो एडमायरेबल। So I got to know about Aditya. We were connected through a common friend, and looking at his zeal, energy, और उसका जो passion है, उसमें मुझे लगा कि हाँ, इसकी vision बहुत अच्छी है। Not only जैसे मेरा जो काम है counseling में, हम mostly one to one connect करते हैं, school में sessions करे जाते हैं, but primarily मेरा counseling one to one चलता है। जो pro bono का vision है, both career guidance and counseling, और to you know creating a bigger impact, sirf ek ek bande se nahi, school level, organization level, institution level and national level tak isko kaise leke jaye aur zyada se zyada ko logo ko kaise jode through technology, to
तो वो जो मैंने विजन सुना और पूरा प्लान सुना आदित्य का, और तुमसे भी जब मिला तो मुझे लगा कि ये पॉसिबल है अगर ऐसे लोग साथ में आए, तो दैट्स हाउ आई फेल्ट, यू नो, दी पॉजिटिव वाइब्स, एंड मुझे लगा मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। ग्रेट सर. तो सर से माय सेकंड क्वेश्चन वुड बी साइकोलॉजी और कैरियर. अगर कोई पब्लिक के तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बहुत अलग अलग टॉपिक्स हैं, सोचेंगे भाई साइकोलॉजी और कैरियर का क्या लेना देना है, ये तो दिमाग के बारे में, ये तो जॉब कर रहे हैं ना, इससे क्या मतलब है. तो सर हाउ वुड यू रिलेट वेरी दिस गुड। टू, इन दोनों को कैसे रिलेट करते हैं. क्वेश्चन तो ऐसा है कि लाइक ऑल द फिजिसिस्ट साइंटिस्ट आर टॉकिंग अबाउट वी एंड द यूनिवर्स आर कनेक्टेड, ठीक है, हम सब एक हैं, हमारे सेल्स यू से भी बातें कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप तो सबका है, कई लोगों को कई लोगों को जलना आता है। और साइकोलॉजी और करियर ये के ही पार्ट है, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि पूछ है उसमें करियर एक पार्ट प्ले करता है। आफ्टर यू हैव गेन्ड सर्टेन स्किल स्किल सेट एक्सपर्टीज, तो उसमें आप उससे पैसा कमा सकते हो, पीस ऑफ माइंड कमा सकते हो, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो सोशली। तो ये आपको, अब कई लोगों को लगता है करियर से उनको नाम फेम पैसा मिलेगा, बट बहुत लोग करियर से सिर्फ सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर, जो लोग एनजीओ का सपना देखते हैं और एनजीओ बनाते हैं और पूरी जिंदगी उसी में काम करते हैं, उनका वो भी करियर है और वो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो करियर पहली चीज तो लाइफ से अलग नहीं है, लाइफ के अंदर एक यू नो उसका एक उसके साथ वेल नेटेड, उसका एक अभिन्न अंग है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं 17-18 से, कई लोग और जल्दी शुरू कर लेते हैं, जैसे सचिन 14-15 में प्रोफेशनल क्रिकेट में आ गया। तो जितनी जल्दी हमें अपनी कला पता चल जाए तो उससे हम खुद को भी खुश रख सकते हैं, दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए या अपने लग्जरी के लिए पैसा कमा सकते हैं। तो करियर और लाइफ एक चीज है। साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट, जैसे साइकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा, तो मन जो है वो भी किसी भी चीज से अलग नहीं है। अगर हमारा मन हटा दिया जाए तो हम शायद एनिमल वर्ल्ड या जानवरों जैसी हैं, तो बिना मन के हम करियर भी अच्छा नहीं कर सकते। तो साइकोलॉजी और करियर का मिश्रण कैसे होता है, जैसे मैं जॉब तो बहुत अच्छी कर रहा था और हमेशा आईटी में रहा हूँ, एक व्हाइट कॉलर जॉब रही है, पैसा भी ठीक ठाक है, यूएस और यूरोप के क्लाइंट्स होते हैं, तो ट्रैवल करने को भी बहुत मिला, यूके यूएस बहुत जगह ट्रैवल किया, बट अंदर से एक ये फीलिंग थी जिसको शायद हम कह सकते हैं कि जो आत्मा थी वो अभी भी कुछ ढूंढ रही थी, कि अभी भी वो पीस ऑफ माइंड नहीं है कि मैं खुद से कुछ क्रिएट कर सकूं। तो जब आपका बॉडी माइंड और स्पिरिट अलाइन हो जाता है, तो जो आपकी साइकोलॉजी है, आपका पीस ऑफ माइंड है, जब वो सबसे काम रहेगा तो आप अच्छा काम कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा लंबा आंसर करने की आदत है बट छोटे में खत्म करूंगा, नहीं सचिन तेंदुलकर और धोनी या सहवाग, इनका जो करियर है वो क्रिकेट है, बट उनकी साइकोलॉजी उन पे कैसे इम्पैक्ट डालती है, कि सचिन तेंदुलकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, वी ऑल यू नो कंसिडर हिम गॉड ऑफ क्रिकेट, बट 90s पे आके उस गॉड को भी डर लगने लग जाता था कि 100 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है। उसी तरीके से धोनी इज ऑल्सो वेल नोन फॉर मैनी, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द गॉड्स ऑफ क्रिकेट, वो धोनी, सहवाग, विराट कोहली, ये 90s के बाद आके थोड़े पागल हो जाते थे, इनको 100 पर पहुंचने की जल्दी होती थी और सहवाग सचिन को थोड़ा सा डर लग जाता था, तो ये साइकोलॉजी है। अब यहाँ पे जब मैंने बीच में बात करी कि जितना हम पीस ऑफ माइंड में रहेंगे उतना हम मोस्ट कंफर्टेबल काम कर पाएंगे, उतना हम कम थकेंगे, उतना हम भी इंजॉय करेंगे, लोग भी इंजॉय करेंगे, तो साइकोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है, करियर भी इम्पोर्टेंट है और लाइफ भी इम्पोर्टेंट है, अगर सब अलाइन हो जाए तो बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग होती है सेल्फ की भी, सोसाइटी की भी, और आपका सर्वाइवल एज वेल एज लेजर भी टेक केयर हो। आई होप दिस आंसर्स। यस यस एब्सोल्युटली सर. कल भी हम सुमित और शिवा सान्याल से यही टॉपिक चल रहा था. आई थिंक सुमित ने बताया ओके था कि द बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ और फिर रिक्रिएशन जितना भी हो सबका एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, तब
तब जाके यू क्रिएट मैजिक। बिल्कुल लेकिन प्योरली दिन में 6 घंटे सो के 18 घंटे आप काम ही करते रहोगे, इट डजेंट वर्क दैट वे। आप काम पे फोकस कर रहे हो लेकिन पीस ऑफ माइंड या फिर आपका पर्सनल लाइफ कुछ रहेगा नहीं। तो मे बी वो मूवीज में अच्छा दिखता होगा कि 18 घंटे काम करते पूरा मूवी का मॉन्टाज में दिखता होगा कि हीरो बहुत बहुत हार्डवर्क कर रहा है, हीरोइन को हेल्प करने पैसा कमाने निकला, लेकिन डजेंट वर्क दैट वे। बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। आकाश सिंह अभी कमेंट्स में है। आकाश सिंह, जैसे कि हमने बताया, कॉलीग ऑफ आर्स एट AIC बिमटेक। आकाश का पहला कमेंट है, अनदर एक्साइटिंग ब्रॉडकास्ट बाय प्रोमोनो टीम, थैंक यू सो मच। और आकाश का एक क्वेश्चन है, ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू सर, आई वॉन्ट टू नो हाउ मच अ डिग्री इज नेसेसरी टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, और एनीबडी कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर लाइक अ स्कूल बॉय आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। Yeah, so I would say the later one is also true. So जैसा मैंने शुरू में भी बोला, natural skill और acquired skill दो skills होती हैं। Natural skill वो जो आपकी कुदरती कला है, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो 4 साल से म्यूजिक बनाते हैं, सिंगिंग में होते हैं, डांस में होते हैं, म्यूजिक क्रिएशन होता है, उनको म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट होता है। तो अगर नेचुरल स्किल है तो जरूरी नहीं है कि हमें, कई बार हमें अपना एंटरप्रेन्योर बनना है वो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को बहुत क्लैरिटी से पता होना। तो एक स्टेप पीछे जाएंगे, एंटरप्रेन्योर बनना है एक बात है, बट दूसरी तरफ हमें पता होना चाहिए हम कौन है। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट भी, जो आई थिंक पिछला क्वेश्चन भी था, कि पहले अपनी साइकी समझनी है, अपने आप को समझना है। जितनी आपको क्लैरिटी होगी उतना आप इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे। तो ये बनना है ठीक है, कई बार हमें लगता है, जैसे मुझे लगा कि मैंने कंप्यूटर साइंस कर ली, 1998 की बात है जब मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, उस टाइम भी बूम था, आज भी कंप्यूटर साइंस का बहुत बूम है, टेक्नोलॉजी तो अच्छा कर ही है, लेकिन तब मुझे क्लैरिटी नहीं थी मुझे क्या करना है, कैसे अपनी करियर लाइफ को सेट करना है। तो जो घर वालों ने कहा, इधर उधर जो हवा में चल रहा था कि कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छी चीज है, वो कर ली, लेकिन अपने आप को बहुत अच्छे से नहीं जान पाता उस टाइम। तो व्हेन आई वाज अराउंड 27-28 ईयर ओल्ड, तो मुझे लगा कि हु एम आई। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, देयर आर बुक्स ऑन इट आल्सो, पीपल कैन रीड। तो जब हम खुद को समझते हैं तो हमें पहले ही चीज ये पता चलती है कि मेरी नेचुरल स्किल क्या है। कई लोगों की नेचुरल स्किल होती है, गिवन होती है, जैसे, और कई बार लेट पता चलती है। मुझे लेट पता चली तो पता चली कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ सबसे पहले। अब मैं इसको साइकोलॉजी को और कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं भी मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, कहीं जॉब कर सकता हूँ, फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, क्लिनिक खोल सकता हूँ, ब्लाह ब्लाह, स्कूल में के साथ एसोसिएट हो सकता हूँ, इवन आईआईटी में काम कर सकता हूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट। तो कई बार हमारा जो गोल है वो पहले सेट हो जाता है, हमें अपनी क्लैरिटी और प्रोसेस की क्लैरिटी मिलती है। तो नेचुरल स्किल पता चल गई वो ठीक है, अगर नेचुरल स्किल नहीं पता चली तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या एक्वायर करने में तेज है, हमारी कॉम्पिटेंस किसमें है। तो अगर हम ट्रेनिंग लेके कुछ अच्छा कर सकते हैं तो फिर हम ट्रेनिंग वाले पाथ पे जाएंगे, क्योंकि जब मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है तो मुझे ये पता था कि हाँ शायद कंप्यूटर साइंस में बेटर कर सकता हूँ, अगर मैं CA वाली लाइन में जाता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता, तो ये हो सकता है मैं जल्दी साइकोलॉजिस्ट बन जाता, वहां फेल होके रिजेक्ट हो। तो एनीवे कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो सबको जानना है, तो अगर हमें लगता है कि मैं ऑलरेडी, मेरा एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है, फ्रेमवर्क है, मैं ऑलरेडी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, वो करके देख। और अगर रास्ते में हमारे पास कोई लर्निंग पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटीज आती रहे, कि एंटरप्रेन्योरल वर्कशॉप्स बहुत होती हैं, मोटिवेशनल वर्कशॉप्स बहुत होती हैं, बिजनेस कोचेस बहुत हैं, माइंड कोचेस बहुत हैं, लाइफ कोचेस बहुत हैं, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो इन मनी, इन टाइम, इन एनर्जी, तो सब कुछ करते रहो। एसेंस ऑफ लाइफ इज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। तो सबसे पहले खुद को पहचानो, अगर आप बिना डिग्री के इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हो किसी भी एज में, तो उसमें घुस जाओ, क्योंकि लर्निंग और एक्सपीरियंस दोनों की वैल्यू है। हो सकता है आप जब बिना डिग्री के किसी फील्ड में घुसो एंटरप्रेन्योरल जर्नी में, तो आपको रियलाइज होगी हाँ, मतलब मुझे समझ तो आ रहा है, मुझे अपने बारे में थोड़ा और समझ आया कि मैं ये कर सकता हूँ, बट शायद मुझे वो ट्रेनिंग की जरूरत है, और ये भी समझ में आएगा कि क्या मैं नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, व्हाट आई एम नॉट,
तो उसको आप फिल्टर करते रहो। तो लर्निंग, रीलर्निंग और अनलर्निंग ये साथ साथ चलता है। तो यू नो टू नाउ समराइज इट, टू आंसर योर क्वेश्चन, इट इज सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, बट फर्स्ट प्रोसेस शुड ऑलवेज बी नो योर सेल्फ बेस्ट। वेन यू नो योर सेल्फ बेस्ट, यू विल टेक राइट डिसीजन, यू विल हैव क्लैरिटी अबाउट योर सेल्फ एंड वेयर टू अप्लाई योर सेल्फ। तो अगर जल्दी कर सकते हैं तो जल्दी कर सकते हैं, अगर ट्रेनिंग लेके कर सकें, अगर आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग लेके ये वाला काम हो जाएगा तो वो भी कर सकते हैं, यू नो, तो वो भी करना चाहिए। तो क्योंकि ये सेशन थोड़ा जेनरिक है, तो दी नेचर ऑफ आंसर्स विल बी जेनरिक, कि और भी लोग हैं शायद तो सबको समझ में आए, बट एक इंडिविजुअल को भी समझ में आए, तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव कि जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, अगर इसके बारे में हमें और समझना है तो हम 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। राइट राइट सर, जैसे कि सर ने बताया आपके स्किल के हिसाब से ही आप मूव करना चाहिए, पब्लिक नॉर्म्स तो होते ही है, लेकिन आप कैसे डिसाइड करते हो व्हाट इज़ गुड फॉर यू, तो यू हैव टू नो, वो क्लैरिटी होना चाहिए। और जैसे कि प्रो बनो भी बोलता है कि स्किल एप्टीट्यूड, कई बार हम कोई काम करते हैं, मतलब आदित्य का ये एग्जाम्पल है, मैं वो कोट करता हूँ कि गाने में अच्छे हैं बट शायद बाथरूम सिंगर ही अच्छे हैं, बाहर जाएंगे तो शायद टमाटर और जूते पड़ेंगे, लेकिन खुद को गा के अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है, हम रियलिटी शोज देखते हैं, मैं भी देखता हूँ और अच्छा लगता है, लेकिन शायद एप्टीट्यूड नहीं है। एप्टीट्यूड क्यों चाहिए कि हम उससे इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर पाएंगे, जैसा मैंने पहले ही बोला, फेम कर पाएंगे, पावर, मनी, यू नो, सर्वाइवल टेक केयर कर पाएंगे, तो इम्पैक्ट समझना जरूरी है, स्किल और इंटरेस्ट को मिक्स कर उसी से हमें करियर सोचना चाहिए। राइट सर। गाइस अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, छोटा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, बट विल बी राइट बैक, यहीं पे रहिए, विद इन 2 मिनट्स विल बी राइट बैक।
हेलो एवरीवन अगेन, सॉरी अभी इंटरप्शन के लिए, छोटी सी माइनर प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन वी आर बैक नाउ। आपका कोई भी क्वेश्चन है विल गेट बैक ऑन दिस राइट अवे। सो सर, सिद्धि मुथा का क्वेश्चन है, सर हाउ कैन वन अंडरस्टैंड विच ऑफ द नेचुरल स्लैश एक्वायर्ड स्किल्स कैन बी ए करियर ऑप्शन? तो फर्स्ट थिंग इज सेल्फ इंक्वायरी, दिस दैट व्हेन एवरीवन इज सिटिंग एट होम, बट दैट डजंट मीन कि सब लोग एक साथ बैठे हैं और हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं और खुद अपने बारे में नहीं सोच रहे। तो हो सके तो मेडिटेट कर सकते हैं आप, और एक माइंडफुलनेस वाली मेडिटेशन होती है जिसमें आप सिर्फ ब्रेथ या थॉट्स पे ध्यान नहीं दे रहे, आप कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो खुद से, लाइक हु एम आई। तो फ्यू थिंग्स आई विल से, वन, ऐसा कौन सा काम है जो आप दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे कर सकते हो या करना चाहते हो, शायद आपको टाइम नहीं, तो मतलब वो आपका इंटरेस्ट एरिया, और उसमें हो सकता है आपकी स्किल भी छुपी हुई है, हॉबीज, पैशन, कौन सी चीज़ें आप ज़्यादा सोचते हो दिन में, कौन सी चीज़ों में आप लोगों के साथ, फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, फीचर, रैंडम पीपल आप ज़्यादा बोलते हो, दोज एरियाज आर योर नेचुरल स्किल्स एंड मे बी यू आर रीडिंग मोर अबाउट इट। थर्ड, use your Google and YouTube, automatically it is knowing more things about you at time than you using artificial intelligence, like agar aap apne YouTube pe jayenge aur suggested videos dekhenge to usme aapko hint milega ki aap kya zyada dekhte hain, aapke interest areas kya hain, usme interest area samajh mein aata hai ki aap kya zyada dekh rahe hain इंटरेस्ट या के आसपास, क्योंकि जो चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आ रही है वहाँ पे आपकी मेमोरी अच्छी होगी, वहाँ पे आपकी सेंस स्ट्रांग होगी, मतलब आप चीज़ों को जल्दी समझोगे, जल्दी एब्जॉर्ब करोगे, और वहाँ पे अगर आप कुछ अप्लाई कर पा रहे हो, दिस इज़ द फोर्थ थिंग, जैसा मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट में कि आप क्या ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा कर सकते हो बिना थके, मे बी बिना पैसों के इनिशियली, यू नो, और जहाँ पे अगर आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा फिर भी आप कर रहे हो, तो वो एरियाज हैं जहाँ पे आपकी स्किल छुपी हुई है। तो यू कैन स्टार्ट विद दिस एंड यू नो स्टार्ट सर, कुड यू प्लीज रिपीट द लास्ट लाइन, आई थिंक थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। और आपने बच्चे कोई भी बनाए, ओके, एम आई ऑडिबल? यस सर, वी कैन हियर यू नाउ, कुड यू प्लीज रिपीट द लास्ट लाइन, थोड़ी सी नेटवर्क इशू आ गई थी। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, कई बार जल्दी बोलते हैं तो शायद इंटरनेट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप ग्रो और आपने पास्ट में कुछ प्रोजेक्ट्स करे हैं, स्पेशली सिंगल हैंडेडली, मे बी यू नो कोई साइंस प्रोजेक्ट किया हो, या कभी कोई पेरेंट्स को हेल्प करिए उनकी अकाउंट शीट, बैलेंस शीट बनाने, तो ऐसी चीज़ें जो आपने अकेले करी हैं उसके अराउंड आपकी स्किल हो सकती है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क हो, चाहे उसमें डिज़ाइनिंग की स्किल हो, चाहे उसमें आपका हाथ से काम करने वाली स्किल है, तो उन चीज़ों को आप फर्दर एक्सप्लोर करो। और अगर उससे आपने करियर बनाना है, उस स्किल्स है, तो जैसा मैंने पहले बोला उससे आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं वो भी समझने में। तो एसेंशियली फोर स्टेप प्रोसेस होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, वो आपको अपनी नेचुरल स्किल बताएगा, और इंटरेस्ट के एरिया में आप एक्वायर्ड स्किल भी ले सकते हो जो पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन का। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज फर्स्ट, सेकंड इज करियर एक्सप्लोरेशन। अगर आपको पता चल गया कि यू कैन हिट द बॉल वेल, देन यू शुड नो देयर इज अ गेम कॉल्ड क्रिकेट और बेसबॉल और समथिंग एल्स, तो किससे मैप होती है ये स्किल हिटिंग द बॉल, तो शायद क्रिकेट, बेसबॉल, हॉकी, ये सारे ऑप्शंस आ गए शॉर्टलिस्टेड करियर ऑप्शंस। फिर हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप यूएस में हो तो क्रिकेट और हॉकी दोनों का स्कोप नहीं है ज़्यादा, तो आपको ये प्लान बनेगा कि मे बी वायबल फीजिबल ऑप्शन है बेसबॉल, तो मैं बेसबॉल में जाता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्लान में क्या होगा कि कैसे बने बेसबॉल प्लेयर, तो उसके लिए करियर गाइडेंस जैसे कि प्रो बनो करता है, करियर काउंसलिंग की मोटिवेशन कम है कैसे करें, तो उसके लिए करियर काउंसलिंग यू नो मे बी साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प. सो प्रो बनो हैज ऑल दैट पैकेज यू नो टू डिलीवर. जब सेल्फ एक्सप्लोरेशन, करियर एक्सप्लोरेशन, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट इट, ये 4 स्टेप प्रोसेस है बेयर मिनिमम, और इसके बीच में डिटेल प्रोसेसेस हो सकते हैं अगर आप इतना कर लेंगे. लेकिन फर्स्ट प्रोसेस बहुत जरूरी है सेल्फ एक्सप्लोरेशन. और एक डिस्क्लेमर, ऐसा भी होता है कि कई बार हमें लगता है कि ये हमारी नेचुरल स्किल है, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि कई बार हमें 3 साल बाद लगता है कि नहीं शायद ये मेरी नेचुरल स्किल नहीं है, तो कोई बात नहीं. जो भी सीखा मैंने कंप्यूटर साइंस में सीखा, अब मैं वो साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को मिक्स करके आगे चला पा रहा हूँ. तो लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए. तो करियर बनाना वर्ल्ड का और ह्यूमैनिटी का गोल नहीं है, खुद को इवॉल्व करते रहना गोल है. तो कई लोग पहले बीकॉम करते हैं, फिर एमबीए करते हैं, फिर कुछ और करते हैं. तो असेंशियली जो आपकी सिचुएशन सामने से आ रही है उसे आपको रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी बनाते रहेंगे, और उसमें कहीं ना कहीं आपको खुद की पकड़ होनी जरूरी है. आई होप दैट आंसर्स. राइट सर. वैसे अभी एक और क्वेश्चन है फ्रॉम कृष्णा जी. वेलकम कपिल चटकरा सर. समटाइम्स आवर ब्रेन क्रिएट्स डाउट्स एंड फियर्स, हाउ कैन वी डील विद दैट? या सो दिस इज अ प्योर साइकोलॉजी क्वेश्चन आई वुड से. सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस, सो देर इज एन एग्जिस्टेंशियल अप्रोच इन साइकोलॉजी, एंड आई होप मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इज फ्रॉम इंडिया. तो जो इंडियन साइंस है, स्पिरिचुअलिटी, वेदिक, वो भी ये बोलती है कि जो कुछ भी हो रहा है, इवन कोविड भी, उसमें हम सब समझते हैं कि ह्यूमन ने काफ़ी कुछ डैमेज भी किया है. तो जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ में, चाहे हमारा फियर हो, चाहे हमारे कन्फ्यूजन्स हो, चाहे हम इनसिक्योर हैं, चाहे हमारे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, तो ये सब हमें सीखना है. तो लाइफ इज दी अल्टीमेट टेस्ट, जिसके अंदर वेरियस फॉर्म्स में हमारे साथ अप्स एंड डाउन आते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं तो गुड टाइम्स भी आते हैं. तो जब फियर आए तो हमें उस अगेन क्वेश्चन पूछना है कि स्पेसिफिक फियर किस चीज़ का है. अगर तो फियर ऐसा है जिसको आप अपने को इवॉल्व करके डील कर सकते हो, तो अच्छी बात है, तो उसे डील करना पड़ेगा. अगर फियर ऐसा है कि कोई आप रात को 12 बजे बाहर निकल रहे हो और फियर लगता है, वो वैलिड फियर है, क्योंकि इतनी भी सेफ कम्युनिटी में नहीं रहते हम, तो वो फियर डेंजर बन जाता है. मतलब वो सिर्फ एक इमेजिनरी फियर नहीं है, वो रियल खतरा है. तो उसके लिए जो बचने के लिए करना है वो कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना इग्नोर कर सकते हैं और तीसरा खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, चौथा हम खुद को मीनिंगफुल चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं. तो कई बार हमारी टेंडेंसीज होती हैं जो हमें ऐसा फियर देती हैं कि मैं कोई स्टार्टअप करूँगा, ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा. तो ये एक और टेक्निक है कि हमें गोल से डिटैच होना आना चाहिए. एक बार ही गोल सेट कर दिया, उसके बाद हमें प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए. अगर हम बार बार गोल की सोचेंगे तो उससे एंग्जाइटी, फियर्स, इनसिक्योरिटीज, डाउट्स आएंगे. तो अगर आपको दूसरे एंड पे, जहाँ पे आप खड़े हो और आपका फियर वहाँ एंड पे आ रहा है गोल से, रिजल्ट से, तो आपको वापस अपने अंदर आना है हियर, एंड सोचना है व्हाट इज माय स्किल, व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, व्हाट डिड आई प्लान. तभी हमने बोला सेल्फ एक्सप्लोरेशन, करियर एक्सप्लोरेशन, डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग. आप डिसीजन ले चुके हो कि आपको वहां जाना है, चाहे हो ना हो, और आपको प्लान पता है, तो आपको डेली अपने स्टेप्स पे फोकस करना है. हो सकता है कि आप वहां ना पहुंचे जहाँ आपका ओरिजिनल गोल था, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप उससे आगे पहुंच जाए अगर आप प्रोसेस ठीक करते रहोगे. तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, स्किल है, जो आपको लोग कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जो आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं, उस पे फोकस रखो. एट द सेम टाइम खुद से क्वेश्चन रखो कि क्या आप गोल ओरिएंटेड हो या प्रोसेस ओरिएंटेड हो या दोनों हो. बहुत सारे लोग जो गोल ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं उनको फियर ज्यादा होता है, एंग्जाइटी ज्यादा होती है. आई होप दैट आंसर्स. ग्रेट सर. अभी वी आर वेटिंग फॉर फर्दर ऑडियंस क्वेश्चन. आई थिंक आदित्य हैड वन हाँ और टू क्वेश्चंस.
Yeah. Yes, sorry. So I have hosted a watch party on my personal profile also, and Dr. Rohit Kaul has some questions from you, Kapil sir. Okay. So Dr. Rohit Kaul, first of all, thank you so much for joining in. And he says, please throw some light on declarative knowledge versus procedural knowledge, which is a very heavy question. So sir, would expect you to answer that. So declarative knowledge, as I understand, is something where you are announcing or sometimes pronouncing your knowledge and declaring, this is what I know, and that can be risky at times when it is ego driven, or image driven, self, or maybe सेल्फ एस्टीम ड्रिवन, तो कहीं ना कहीं प्राइड ड्रिवन, उसमें कहीं ना कहीं ईगो से थोड़ा बच के रहना. कि डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, नॉलेज उस चीज के लिए इम्पोर्टेंट होती है जो काम में आए. तो जैसे कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज वेस्ट इफ इट इज नॉट यूजफुल, तो और ऐसे डिक्लेरेटिव नॉलेज के सेट में ऐसा भी देखा गया, कुछ लोग खुद को आइसोलेटेड या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं. तो इन दोनों वर्ड्स में, डिक्लेरेटिव नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज और सिंपल नॉलेज, कीवर्ड इज नॉलेज. एंड दी फर्दर इन प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन और क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, दिस नॉलेज शुड बी यूजफुल, दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो एटीट्यूड शुड बी देयर, वेदर इट इज डिक्लेरेटिव नॉलेज, वेल एंड गुड, यू कैन डिक्लेयर, बिकॉज वेन वी आर सिटिंग हेयर and pro bono is saying we can help people with career guidance and career counseling and helping you choose your career or build your career, things like that. तो हम भी declarative knowledge की बात कर रहे हैं, बट साथ में procedural knowledge को भी integrate करने की बात कर रहे हैं. procedural knowledge मतलब जिसमें we have done our review of literature, मतलब कितने research हो चुकी हैं, साइंस क्या कहती है करियर के बारे में, करियर गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में, रोल ऑफ साइकोलॉजी इन करियर काउंसलिंग. तो हम भी कहीं ना कहीं प्रोसीजर को इंटीग्रेट कर रहे हैं. इन लाइफ देयर हैज टू बी अ ब्लेंड एंड अ बैलेंस ऑफ वेरियस थिंग्स. सो इन दिस केस आई वुड से यस, डिक्लेरेटिव नॉलेज कैन ऑल्सो बी प्रोसीजरल, प्रोसीजरल नॉलेज कैन ऑल्सो बी डिक्लेरेटिव, बट दी key thing is how you are implementing it, how you are making this knowledge useful for yourself or for the people or your family members or society or globe. Like for example, एक चीज है जो मुझे काफी दिन से बॉदर भी कर रही है और अमेज भी कर रही है, कि अभी एग्जाम्स भी चल रहे थे ना, एक्चुअली ये वो पीरियड था, सब एग्जाम्स दे रहे थे, तो कुछ वो बच्चे नर्वस थे मेरे फैमिली सर्कल में. तो मैं उनको कह रहा था कि जितने बच्चे आज तक टॉप कर गए वो भी इस कोविड का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे. तो लाइफ को अपने तरीके से चैलेंजेस देने आते हैं. वी शुड एनी वे, विच एवर वे, कीप एक्वायरिंग नॉलेज बाय इंट्रोस्पेक्शन, वेदर इट इज अवर नेचुरल नॉलेज अबाउट अवर सेल्फ और द नॉलेज अराउंड अस, एंड कीप इम्प्लीमेंटिंग इट. इफ इट इज गोइंग वेस्ट, नो यूज. सो इन दिस केस प्रो बनो इज डूइंग दिस वेबिनार एंड सेइंग वी कैन हेल्प यू. सो इट इज लाइक अ डिक्लोरेटिव एक्ट ऑफ शेयरिंग नॉलेज एंड वी आर डूइंग इट प्रोसीजरली. सो आई होप इट समवेयर आंसर्स, बट वी कैन ऑल्सो कनेक्ट सेपरेटली इफ देयर द क्वेश्चन वॉज समथिंग एल्स और इफ देर इज अ फॉलो अप क्वेश्चन. श्योर सर. डेफिनेटली सर, आर ऑडियंस डरना मत, मैंने अभी बीच में छींक मारा तो लैपटॉप से नहीं फैलेगा, टेंशन मत लो, मैं अपने घर पे ही हूँ अगर मेरे को है भी, एंड होपफुली मेरे को नहीं है तो आई थिंक दिखा नहीं था, होपफुली तुम्हारा आइकॉन बहुत थैंक छोटा कर दिया था मैंने, तो आई डोंट थिंक किसी ने. यू. हाँ स्प्रे कर दी. अच्छा, नहीं तो लोग पैनिक करके भागने लग जाते हैं, अरे छींक मार दी इसने लैपटॉप से, कोविड ना फैल जाए. हाँ, तो सो आदित्य फॉलो अप क्वेश्चन तो नहीं है जो मैंने बोला फ्रॉम सो सर, आई विल डेफिनेटली लेट यू डॉक्टर नो. नॉलेज. रोहित कॉल सर ने कुछ और क्वेश्चंस पूछे हैं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू एड्रेस अनदर क्वेश्चन. सो शोरोदीप आचार्य सेज, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, आई एम जस्ट 18, आई वॉन्ट टू परस्यू इट. ओके, ये तो आदित्य तुम्हारे लिए क्वेश्चन है.
बट मैं छोटा सा अपना आंसर दे दूंगा, बट आई थिंक आदित्य शुड ऐड हियर. सो लाइक आई सेड बिफोर, मे बी यू नो शौर्यदीप के ज्वाइन लेट. जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स फ्रॉम एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड. तो इसका मतलब कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, और वो जो अभी मार्केट में, सोसाइटी में आपके अराउंड एक नीड है और आपके पास एक सॉल्यूशन है, तो आपको प्लग करना आना चाहिए. तो जैसे अभी किसी, आई थिंक न्यूयॉर्क में या किसी एक बच्चे ने COVID-19 की बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है, जिसके अंदर ऑटोमेटिक ग्राफ्स बन के आ रहे हैं और लिंकेबल है सब कुछ. तो सिर्फ स्टैटिक टेक्स्ट नहीं है उसमें कि कोई पीछे से बैठ के अपडेट कर रहा है और तभी कलर्स दिखेंगे. तो ऐसा पहले भी हुआ था, आई थिंक दिल्ली में ऑड इवन स्कीम हुई थी पॉल्यूशन के लिए. तो किसी नोएडा के आई थिंक 18-19 ईयर ओल्ड क्रिएटेड अ वेबसाइट. तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले तो आपको अपनी स्किल पता होनी चाहिए, वेदर एक्वायर्ड और नेचुरल, और उससे आप कुछ सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं. तो इट कैन, यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल प्रोजेक्ट, प्रोटोटाइप, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. उसको मार्केट में उसका टेस्ट करके देखो, लिटमस पेपर टेस्ट बोलते हैं. डरो मत फीडबैक लेने से उसको. मे बी अगर आप ब्लॉगर हो तो एक वेबसाइट खोलो, किसी टॉपिक पे बात करना शुरू करो. जैसे कि जब मैं साइकोलॉजी में आया तो मैंने अनाउंस कर दिया कि आई एम ए साइकोलॉजिस्ट. तो पहली बार थोड़ा हेजिटेशन थी कि देखते हैं कैसे सेशन सेशन जाता है, बट अगेन अपने आप पे, अपनी स्किल पे वो कॉन्फिडेंस था. सो व्हेन आई गो डीप इन दिस टॉपिक आई फील आई मेक सम सेंस. तो एंड इट हेल्प पीपल. तो यू हैव टू टेस्ट योर स्किल, तो टेस्ट तो करनी पड़ेगी. और एंटरप्रेन्योरशिप पे स्कोप बहुत है, बट जैसा मैंने बोला कि आपकी स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, चाहे वो बिजनेस स्किल हो, चाहे मार्केटिंग स्किल हो, चाहे आइडिएशन हो, उससे अगर आप मार्केट में कोई ऐसी प्रॉब्लम को में इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हो, मतलब रेलिवेंट होना चाहिए जो भी आप कर रहे हो, तो इट इज़ द मैटर ऑफ योर डिलीजेंसी, इंटेलिजेंसी, बिजनेस स्किल, मार्केटिंग स्किल, ये सब लगानी पड़ती है उसमें थोड़ी थोड़ी, और आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो. तो आदित्य तुम भी ऐड जरूर करो उसमें. डेफिनेटली सर. सो आई रीड ऑन फॉलो अप कमेंट फ्रॉम शोरोदीप आचार्य एंड एड ऑन टू व्हाट यू सेड. सो शोरोदीप आचार्य सेज पीपल आर सेइंग एंटरप्रेन्योरशिप इज रिस्की, इट इज लोअरिंग माय स्पिरिट एंड हायरिंग माय फियर्स. हाउ टू मैनेज एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स इन कॉलेज लाइफ, प्लीज हेल्प. Then he says, I don't know coding, but nowadays people are saying entrepreneurship requires coding. I don't have money to hire coder. What to do? So Shorodeep, answering your two questions and following up from what Kapil sir said, I think, not too elder to you. So if you're 18, I'm 25 right now. I just turned 25 last month. So first of all, people are saying entrepreneurship is risky. It is not. It is uncertain. Much like, you going to college and trying to take up a job. So taking up a job is also uncertain. आप अगर किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, so your selection is not guaranteed, right? Similarly, success in entrepreneurship is not also guaranteed. So failure is always a possibility. And in that, you always need to think कि entrepreneurship का risk थोड़ा higher just इसलिए हो जाता है because most of the people are searching for. स्टार्ट. हाय गाइस, रियली सॉरी, पता नहीं क्या हुआ हमारे स्ट्रीम के एंड पे, देर इज सम टेक्निकल इशू प्रोबेबली. सामंत, वुड यू लाइक टू टेक 1 मिनट टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड? रियली हाँ, यूजुअली गाइस क्या होता है, तो द सॉफ्टवेयर आई यूज़ इज़ लाइक ए ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर, वेयर मैं डिस्प्ले कैप्चर, यू नो, डिस्प्ले कैप्चर करके वो सॉफ्टवेयर को फेसबुक का लाइव स्ट्रीमिंग पे पब्लिश करता हूँ. बट फॉर सम रीज़न फेसबुक ये वाला सॉफ्टवेयर को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, जो कि 1 साल 1.5 साल में पहली बार हो रहा है. तो मैं भी, मुझे भी फिगर आउट करना पड़ेगा. लेकिन टू यू नो नॉट मिस आउट ऑन योर क्वेश्चंस, ये वाला रिकॉर्डेड वीडियो आप हमें, हम बाद में पोस्ट करेंगे. ऑब्वियसली आप देख रहे हो, मतलब पोस्ट हो ही गया है. तो दिस इज़ योर हाँ क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे, वील ट्राई टू क्विकली एड्रेस योर क्वेश्चंस. तो आदित्य कंटिन्यू. ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर बियरिंग विद अस, फॉर स्टेइंग विद अस. COVID-19 हो, चाहे इंटरनेट का ब्रेकेज हो, चाहे स्ट्रीम की नहीं जनरेट हो रहा हो, हम हार नहीं मानते, तो हम लगे पड़े हैं आपकी हेल्प करने के लिए एज मच एज वी कैन. सो आस्किंग योर क्वेश्चंस नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, एड्रेसिंग फ्रॉम द पेज, सो प्रणव गर्ग आस्क्स, what are some of the ways to answer this question from a friend? There is no purpose of living this life. I want to end it, which is very serious, I think.
P.S. This person was well read, taught in Sanskrit Vedas, Gita, etc. Very bright, but lives a miserable life. Kapil sir. What is the second part? Very bright. So he basically, sir, there is this friend of Pranav Garg who says there is no purpose of living this life. I want to end it. That's what he says. Now this person was a well-read and well-taught in Sanskrit Vedas, Gita, etc. So he had like scriptural knowledge, and he was very bright, but he lives a miserable life. So sir, how to kind of address this question? You know, where the guy feels that there is no purpose of living this life. Yeah, so somehow, first of all, if someone is feeling like that to end a life, he or she should connect to one of the forums. There is one forum called Life Possible. I am also part of that. I volunteer there for, life counseling and things like this. This is sad that people are thinking of ending the life. People should think of... think of purposes all around us. Okay, people should think of ending coronavirus. People should think of ending coronavirus in the house, in the neighborhood, in the community, and keeping self safe, siblings safe, parents safe, especially old age, in the neighborhood, in the society. So purpose is always there in the society all around us. So sometimes we are looking for purpose for our life, so if someone is giving this backdrop of spirituality and missing out that when we say too much of I also leads to ego, whether it is pride or self-dignity or self-respect, there is a very thin line. And in Vedas, I also have keen interest. If you heard in my introduction also, I mentioned. So I do read Vedas, I have interest in Gita. So no one says too much of I is never good. So, all those who have reached pinnacle of, their life success, they also acknowledge, even though politically, behaviorally, they say, no, we are at the top because of you. We want to create impact for you, even though they may be doing things for themselves. But you cannot be separate from the world, from humanity. So purpose is all around. Purpose can be for self. So first purpose is to question yourself why you are looking for purpose. Why can't you simply be yourself and find out your natural skill? As simple as, even if no natural skill, find out a way how to be happy. Whether looking at a sparrow, whether looking at videos on YouTube, Facebook of animals playing, funny videos, homecoming videos, whether going for a walk, whether clicking pictures. So it's not important, everyone is equally famous or equally powerful or equally rich. Most important is to understand the life. So life is bare minimum two dimensions. One, life is throbbing inside me, my life inside. And if I also ask you a question or someone a question, what is life? Many people say, describe life around them. They don't talk about themselves. So how you perceive life, what you see outside is also your life. What is inside you is also life. When these two lives interact, the purpose and relevance of life is a consequence. Okay, so from the context of spirituality, Gita, Vedas, jo hamari breath hai, that is called as prana. So, and that is life. Agar wo ruk jaye, breath ruk jaye, prana ruk jaye, to prana khatam ho jata. To aapko ye pata hona chahiye ki aapke paas kuch to hai, tabhi aap exist kar rahe ho. Or like I mentioned, I am also a fingerprint analyst. So jaise hamare fingerprints unique hai, हमारा रेटिना आइडेंटिफिकेशन यूनिक है, हमारे फेसेस मोर ऑर लेस यूनिक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ यूनिक है, आपका जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो यूनिक है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बाय डिफॉल्ट आपकी लाइफ ऐसी है. आपको बस ये पजल सॉल्व करनी है कि मैं क्या कर सकता हूँ आज जो मुझे खुश कर सके, मेरे को फैमिली में रेलिवेंट बना सके. अगर आप किसी से जाके ये चीज़ शेयर करेंगे कि आपको क्या बॉदर कर रहा है, तो राइट नाउ मे बी दिस इज योर पर्पस. फर्स्ट अगर आप किसी से शेयर नहीं कर रहे
वो भी अगेन ईगो हो सकती है कि मैं किसी से हेल्प क्यों मांगू. तो जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि शेयर विद योर फ्रेंड्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हु सो एवर इज इन ट्रबल एंड थिंकिंग ऑफ एंडिंग लाइफ, फर्स्ट कम आउट ऑफ योर यू नो पर्सनल बॉन्डेजेस, डिस्कस इट विद समवन. देर आर मैनी पीपल, नॉट नेसेसरली कि वो साइकोलॉजिस्ट ही हो. सबसे पहले फ्रेंड से शेयर करो, देन गूगल करो. जैसे मैंने एक नाम बताया, लाइफ पॉसिबल, इसका फेसबुक पेज भी है. तो facebook.com/lifepossible पे जाके आप अपना कमेंट डालो. आप अनोनिमसली भी चैट कर सकते हो. देर आर मैनी हेल्पलाइन जहाँ पे आप कॉल कर सकते हो बिना अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करे, बिना अपनी प्रॉब्लम शेयर करो. डोंट बी यू नो शाय और हेजिटेंट और रिलक्टेंट, शेयर करो. आंसर्स हैं. तो जैसे कहते भी हैं, ढूंढने से खुदा मिलता है या भगवान मिलता है, वो हमेशा आसपास ही होता है, बट हम शायद रीच आउट नहीं करते. तो एक बार कोशिश करो, पर्पस भी मिलेगा. पर्पस जरूरी नहीं है हमारे लिए हो, पर्पस एग्जिस्टेंस के लिए भी हो सकता है. अगर आप किसी छोटे से डॉग के पपी को भी बचा सकते हो, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा पर्पस है. बहुत सारे सक्सेसफुल लोग वो भी नहीं करते. Right. So thank you so much, sir, and I hope Pranav, your friend, finds a lot of purpose in his life, and would be really happy, if you can sometime in later on get back to us and tell us that the guy benefited from this answer. I'm genuinely hopeful that this does. So Lavanya Borsne has waved three times. So hi, Lavanya. I hope you're doing good. So she says, "Hello, sir. Good evening. I'm Lavanya. I want to ask you that how can I get proper concentration on my work? Whatever I do. Actually, when I sit to do any work, I get distracted from it after 15 or 20 minutes. Because of this, mostly of my work remains incomplete. So please, sir, tell us about how we can get proper concentration on any work." So, concentration and distraction are two opposite poles. So, and then there are tendencies, human tendencies. So, some people have better tendency in concentration, some people have better tendency in distraction. So, sometimes distraction is also helpful. You know, like if you are in police or a spy or vigilant, or you know some government officer looking for crime and criminals, then your distractive mind will spot you know the defaulter first. तो एक तो बुरा कुछ नहीं होता, स्टार्टिंग फेज होती है, टेंडेंसी होती है, बट जो भी चीज़ डेवलप करनी है वो प्रैक्टिस से बेटर होती है. तो यू वुड नीड टू इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन, इफ दैट स्पेसिफिकली इज द क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक नॉट नेसेसरली डिस्ट्रैक्शन इज बैड. सेकेंड, प्रैक्टिसिंग कॉन्सेंट्रेशन इज एनी वे गुड, बिकॉज दैट इज वॉट पीपल से इन वेस्टर्न साइंस एज वेल एज इंडियन वैदिक साइंस, दैट वेन यू प्रैक्टिस कॉन्सेंट्रेशन, द कॉन्सेंट्रेशन, द वर्ड फॉर कॉन्सेंट्रेशन इन हिंदी इज ध्यान. द मोस्ट पॉपुलर वर्ड फॉर ध्यान इन इंग्लिश इज मेडिटेशन. तो यू शुड प्रैक्टिस मेडिटेशन. इफ यू आर नॉट एबल टू सिट लॉन्ग, स्टार्ट फॉर 5 मिनट्स, गो टू 15 एंड 30. इफ यू कैन मैनेज टू डू मेडिटेशन फॉर 30 मिनट्स डेली, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. इट विल ब्रिंग इन फोकस, अलाइनमेंट ऑफ थॉट्स, बिकॉज वॉट यू नो डिस्ट्रैक्ट्स यू इज योर थॉट्स. ओके, वैन यू विल लर्न टू कीप द फोकस और कॉन्सेंट्रेशन ऑन वन थिंग थ्रू मेडिटेशन एंड मोर कंट्रोल ऑन योर माइंड एंड थॉट्स, यू विल हैव बेटर कंट्रोल एंड योर कॉन्सेंट्रेशन विल इवेंचुअली इंक्रीज. सो कॉन्सेंट्रेशन के लिए यू नो कीप प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन. वन मोर थिंग, सम पीपल फील एंगजाइटी वाइल डूइंग मेडिटेशन, सो आई एम प्रॉब्ली आंसरिंग अ फॉलो अप क्वेश्चन. सो टू स्टार्ट विद, इफ यू आर फीलिंग एंगजाइटी इन क्लोजिंग योर आईज एंड सिटिंग एट वन प्लेस और मे बी वेन यू आर अलोन, देन यू कैन इन द बिगनिंग फॉर स्टार्टर्स प्ले सम म्यूजिक एंड फोकस ऑन दैट. एंड देर आर मैनी म्यूजिक्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, यू कैन यूज दैम. फ्रॉम म्यूजिक यू कैन मूव टू मे बी वॉइस ऑफ दी क्लॉक, टिक टॉक टिक टॉक. सो दीज आर एक्सटर्नल सोर्सेज टू हेल्प यू मेडिटेट, बेसिकली फोकस ऑन वन थिंग. ब्रह्म कुमारी हैज अ कोर्स विच हेल्प्स यू फोकस ऑन वन डॉट ऑफ लाइट. सो दैट इज अनदर वे.
इसको त्राटक भी बोला जाता है। इसको घर में करने का तरीका है कि दीवार के सामने बैठो, उस पे दीवार पे एक डॉट लगाओ और सिर्फ दीवार दीवार पे उस डॉट को देखते रहो। दिस ऑल्सो हेल्प्स कॉन्सेंट्रेशन। बेस्ट वेज टू डू कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन इज नथिंग शुड बी डिस्टर्बिंग अराउंड यू एंड यू शुड फोकस ऑन योर ब्रेथ इन एंड आउट। इफ यू कैन डू इट फॉर 1 मिनट दैट इट सेल्फ इज एन अचीवमेंट। इफ यू कैन टेक इट टू 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, मे बी यू वुड नॉट नीड टू आस्क क्वेश्चन, वी विल आस्क यू क्वेश्चन। सर आई थिंक डेफिनेटली कोरोना के सिचुएशन में और भी बेटर होगा क्योंकि बाहर करेक्ट ट्रैफिक का इशू तो है नहीं, हॉर्न्स की आवाज़ नॉट नहीं होगा, नीचे सब्जी बेचने वाले आवाज़ नहीं कर रहे, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट। राइट या डेफिनेटली एंड आई होप लावण्या दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। सो मेडिटेट, फाइंड अ पर्पस बिहाइंड वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग और वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग। फाइंडिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका अल्टीमेट गोल क्या है, एंड इफ यू आर एबल टू सी कि उस गोल से किसी का भला हो रहा है, आई एम प्रिटी श्योर वो अपने आप तुम्हें एक्साइट करने लगेगा, एंड आफ्टर यू नो मेडिटेशन यू स्टार्ट टू फील इवन हैप्पियर वाइल डूइंग इट। सो सीम्स लाइक यू नो एक्साइटिंग टाइम्स आर अबाउट टू कम फॉर यू, आई A होप। very good सो point. पुष्कर So, yeah, just I'll add to that. So, श्योर सर you brought in the right point. I was only focused on concentration and its way. So, if you are doing something and you don't have interest, it is but natural. You know, tendency is high to distract, which is okay because जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर सब्जेक्ट में 100 में से 100 लाता है, ऐसा रेयर होता है और मोस्टली लोग नहीं करते ऐसा। तो अगर नहीं भी हो रहा कुछ चीज़ों में, हर चीज़ में होता है, देन डेफिनेटली यू नीड टू डू मेडिटेशन एंड यू मे बी हैविंग सर्टेन टाइप्स ऑफ फिंगर प्रिंट्स विच मेक यू लाइक दैट, बट दैट डजेंट मीन यू कैन नॉट रीवायर योर ब्रेन, दैट डजेंट मीन यू कैन नॉट लर्न कॉन्सेंट्रेशन। सो ह्यूमन पोटेंशियल इज सच दैट एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड, इट इज जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, एनर्जी एंड योर इन्वेस्टमेंट दैट यू पुट टू इट। सर सो इट्स ऑलरेडी 7-1, सो आई विल आस्क यू टू फाइनल क्वेश्चंस एंड देन प्रोबब्ली यू नो आई विल हैव टू लेट यू रश ऑफ, बट वी डोंट वांट टू, बट दैट्स व्हाट द टाइम कंस्ट्रेंट एंड द टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट वी हैव इज। या सो सर पुष्कर दास आस्क्स अस, सर व्हाट फ्यूचर ऑप्शंस डू आई हैव एज एन एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन, आई हैव बीन वर्किंग इन द आईटी इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 4 इयर्स एंड हैव स्टार्टेड टू लूज इंटरेस्ट विद दिस डोमेन। Okay, so if you are starting to lose interest, then anyway you should not seek future options in this domain. So going back, find yourself, find your interest, find who you are, do self-exploration. First, find your interest. So then the future options of that interest or that skill would make more sense. But for Active Directory domain, with my limited knowledge on infrastructure admin side or hardware operating system side, I'm more on software side. With cloud computing coming in, there is a lot of scope. As I understand, Azure from Windows operating system, Amazon has its own. So they are doing Active Directory management administration, everything through cloud. And I'm sure administrator as a service, AAAS, something like would be a term around. तो स्कोप तो मेरे ख्याल से है, बट सबसे पहले ये देखो कि आपको इंटरेस्ट है, तब उसमें आगे इन्वेस्ट करो। वरना काम चलाने के लिए भी जब तक दूसरा इंटरेस्ट समझ में नहीं आता, जो करंट हमारे पास होता है उसे भी वैल्यू करना चाहिए। जैसे कि मैंने आईटी नहीं छोड़ा, बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, मेरे को उसमें लाइफ में सीखा है, मैंने काफ़ी कुछ मिला है अपनी जॉब से, तो वो रिगार्ड भी होना चाहिए। तो जब तक कुछ और समझ नहीं आता तब तक भी उसके लिए मैं ये इसीलिए आंसर कर रहा हूँ कि उसमें आई थिंक क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी चीज़ों में बहुत स्कोप है, और हो सकता है आईटी में किसी और चीज़ में स्कोप हो। एक फाइनल चीज़ इसमें ऐड करूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छे एडमिन ही हों, हो सकता है यू आर ऑल्सो अ गुड लीडर और अ टीचर और अ मैनेजर और अ डिज़ाइनर और एन आर्किटेक्ट। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन में ये अलग अलग रोल्स भी आप प्ले कर सकते हो। हो सकता है इसमें आपका लिमिटेड इंटरेस्ट है बट आपकी नेचुरल स्किल्स मैनेजमेंट में है या आर्किटेक्चर में है या टेस्टिंग में है, यू नो, तो इसके अराउंड भी पेरिफेरी में देखो कि हो सकता है वहाँ कोई सोल्यूशन नहीं। सर टू फाइनल क्वेश्चन। सो डॉक्टर रोहित कॉल सेज योर मुस्टाशेज आर ऑसम,
He also asks us, please tell us something about cognitive mental load, and I think this will be the final question I'll ask you. So yeah, sir, over to you. What is the question? Community mental load. Cognitive mental load. Cognitive mental load. Oh, he's asking very technical questions. So, cognitive mental load, if it is from psychology point of view, it would primarily mean too much of thinking because too much of activity is happening in the world. Inside your house through internet, you are getting too much of information, therefore too many thoughts, therefore too much of thinking, and too much of conclusions. So this is the psychological understanding. If we try to consider it as cognitive mental load as IT, in IT also, because there is a cognitive computing stream which is getting very popular, it is a mix of psychology and IT. So cognitive computing is something where chatbots are built, Watson, Siri, Alexa, these things. So because there is a lot of data, we have big data. So with a lot of big data, it is enabling human mind through this data and through technology, and through that people are able to do very good data science, data analytics, artificial intelligence, machine learning, deep learning. तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा है अगर मैं, बट इट इज़ अबाउट मेंटल लोड, सो आई एम अज्यूमिंग इट इज़ मोर टू डू विद साइकोलॉजी. तो क्या होता है कि हम छोटे भी होते हैं, तो आई थिंक बाय 6 7 ईयर्स 80% हमारा ब्रेन डेवलप हो जाता है. तो उसके बाद भी हमें कोई ना कोई पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, दादा दादी हूज़ एवर, एंड लाइफ सिखाती रहती है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें आनी चाहिए. जो लोड है उसको अनलोड करना, रीलोड करना, ठीक है. तो इससे सिमिलर चीज़ मैंने पिछले किसी क्वेश्चन में बोली थी कि हमें लर्न, अनलर्न, रीलर्न करना आना चाहिए. और कॉग्निटिव एबिलिटी ह्यूमन एबिलिटी है और किसी स्पीशीज में नहीं है, तो ये तो बहुत प्रेशियस चीज़ है. बट जो लोड है उसे बैलेंस कर लोगे तो कॉग्निटिव अच्छा रहेगा. तो फिल्टरिंग प्रोसेस हमें आना चाहिए, तो लोड कम हो जाएगा. बहुत सारी चीज़ें दुनिया हम पे फेंकती है, जैसे छोटा बच्चा अगर स्कूल में जाता है तो वो आई थिंक इनएविटेबल है, अगर उसके आसपास सब गालियाँ दे रहे हैं तो वो भी घर आके एक दो गाली वो भूल देगा. तो इसीलिए क्लीनिंग करते रहना चाहिए और रेलिवेंस निकालते रहना चाहिए. अगर हम टीवी में बैठ के भी बहुत सारी न्यूज़ देख रहे हैं, मैं अवॉइड करता हूँ बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखने के लिए, क्योंकि क्यों देख रहे हैं हम, उसका क्या करेंगे, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो जो भी आपके दिमाग में मेंटल लोड क्रिएट हो रहा है उसमें फिल्टर आउट करना ज़रूरी है कि क्या डेटा आ रहा है, कितना यूज़फुल है, कितना अनयूज़फुल है, और जो अनयूज़फुल है उसको आप साइड करते रहो, निकालते रहो, और यूज़फुल को ही रखो, और यूज़फुल वाली स्पेस को मैग्नीफाई करो, मैक्सिमाइज करो, और उसी में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, स्पेशली अगर वहाँ आपकी नेचुरल स्किल या एक्वायर्ड स्किल है रिलेटेड टू योर करियर, तो ही वो मोर रेलिवेंट और मीनिंगफुल रहेगा आपके लिए. Got it. So, I hope, Dr. Rohit, you got your answer. मतलब जो मेरे ऐसे एक लेमैन को समझ में आया, we should in this situation and I think this is a very relevant answer and a very good note to end on कि इस सिचुएशन में जहाँ पे ह्यूमैनिटी इज स्टक एंड वी आर ट्राइंग टू फिगर आर वे आउट, वी शुड ऑलवेज हैव दैट कीननेस टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न थिंग्स. और कॉग्नाइटिव लोड जितना कम ले और उस कम कॉग्नाइटिव लोड में जितना हम स्मार्टली एक्ट करके हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके, आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड फॉर ह्यूमैनिटी एंड फॉर आर करियर्स एज वेल. सो विद थैंक दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू कपिल सर सो वेरी मच, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अग्रीइंग टू यू. कम ऑन दिस स्ट्रीम एंड सेकेंडली फॉर यू नो एंड्योरिंग थ्रू ऑल द टेक्निकल हैसल्स दैट वी वर फेसिंग सरप्राइजिंगली टुडे. सो थैंक यू सो मच सर फॉर बियरिंग थ्रू ऑल ऑफ इट एंड स्टिल हेल्पिंग द यू नो पीपल हु वर वॉचिंग सो मच. नो एंड प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड स्टे होम, स्टे सेफ. या गाइस स्टे होम स्टे सेफ, हाथ धोते रहो, सैनिटाइजर ज्यादा यूज मत करो, अगर घर पे हो तो पुराने ट्रेडिशनल तरीके से ही साबुन और पानी से हाथ धो. ऑल्सो यू नो टू द ऑडियंस हु इज वॉचिंग दिस वीडियो एंड हु वॉज वॉचिंग द लाइव वीडियो अर्लियर ऑन, बहुत मजा आ रहा था, इतनी सारी ऑडियंस आ रही थी, यू नो वी वर रियली हैप्पी अबाउट इट. रियली सॉरी दैट दिस हैड टू समहाउ ब्रेक ऑफ. अब इंटरनेट कनेक्शन पर ज्यादा हमारा हाथ नहीं,
और ना ही COVID-19 पर है, बट वील कीप फाइटिंग एंड वील कीप प्रेजेंटिंग यू विद वन ऑफ दीज एवरी डे एट 6 PM, रादर एवरी इवनिंग एट 6 PM. सो स्टे कनेक्टेड. ये माइनर टेक्निकल प्रॉब्लम आज हुई है, वील मेक श्योर दैट दिस डज नॉट हैपन एनी मोर. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर बींग कनेक्टेड विद अस ऑन द लाइव, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट ऑल द डिफिकल्टीज दैट यू नो वी कीप फेसिंग एंड ह्यूमैनिटी कीप्स फेसिंग. सो थैंक यू एंड आई होप यू गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन. ग्रेट एंड सॉरी फ्रॉम माई एंड पर्सनली, कल गारंटी ये नहीं होगा. या थैंक्स, चलो सी एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय. बाय.